डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है 28 मई को होगा नए संसद भवन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को बहुप्रतीक्षित नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसका शिलान्यास दिसंबर 2020 में किया गया था। इसको अहमदाबाद स्थित HCP डिजाइन योजना और प्रबंधन द्वारा डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसकी अनुमानित लागत लगभग 970 करोड़ रुपए है। नए संसद भवन की विशेषताओं की बात करें तो इसमें लोकसभा के लिए 888 सीटों की क्षमता होगी। इसमें कोई सेंट्रल हॉल नहीं होगा। दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक लोकसभा में आयोजित की जाएगी। बता दें कि अभी तक वर्तमान संसद भवन के सेंट्रल हॉल में संयुक्त बैठक को आयोजित किया जाता था। ऐसे में अब लोकसभा 1280 सदस्यों को समायोजित करने में सक्षम होगी। वर्तमान संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था। अब इसे सरकार द्वारा विरासत संपत्ति के रूप में संरक्षित किया जाएगा।